वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास साहब जी के चरणों के अज फिर हाजिरी ला रहा। मैं गुरु का बंदा आप जी के चरणों से अज फिर एक वीडियो के राही हाजिरी भरांगे। उस तो पहला मैं आशा करता कि आप जी के घर फैमिली में सुख शांतियां होगी, सारे ठीक ठाक होंगे। मैनू कमेंटा दे विच ए जरूर दस्या करो कि वीडियो सही बनी आ, किते गलती किथे हैगी आ, ते ए भी दस्या करो कि वीडियो दे विच जड़ी गलती मैं किती हैगी उन्हानू किमें असी सुधारीए, किमें ठीक करिए। क्योंकि दास नू इन्ना नहीं पता हैगा। हुण आंदे असी गल ते, अज दी जड़ी वीडियो हैगी आ ओ तन तन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे जड़े सीस लेके आए सी बाबा जीवन सिंह जी, उन्हां दा विशाल सीस बेटा नगर कीर्तन ओ कढ़िया जा रहा है अज दिनांक 17/12/2023 तो दिल्ली शीशगंज गुरद्वारा साहब जी तो यह आरंभ होगा 21 तारीख नूं केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब विखे। ये लास्ट जड़ा पड़ाव होगा वो होगा, तो नाले 21 तारीख नूं ही राती दरबार सजणगे शीशगंज गुरद्वारा साहब, अरदास होणगी, गुरु का लंगर अटूट वरतणगा। जिन्हां नूं आरंभ किया गया है, आरंभ करन वाले दशमेश तरना दल, हरियाणा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर वालों, हरियाणा प्रबंधक कमेटी वालों, वख वख निहंग जथेबंदियों वालों ये नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है उन्हां दे सहयोग दे नाल। ते आप जी नूं मैं ये जड़ा नगर कीर्तन हैगा इन्हां दा रूट दस देना। 17 तारीख तो अज दी जड़ी तारीख हैगी 17 तारीख 17/12/2023 तो आरंभ होगा दिल्ली शीशगंज गुरद्वारा साहिब तो 8 बजे। श्री गुरु नानक प्यो दे रस्ते सोनीपत पानीपत करनाल बाईपास गुरद्वारा लंगर माता साहिब देवा जी। फिर नानकसर करनाल दे रस्ते विश्राम गुरद्वारा श्री शीशगंज साहिब तरावड़ी विखे होगा, यानी कि 17 तारीख की जड़ी रात हैगी गुरद्वारा साहिब श्री शीशगंज साहिब तलवंडी साहिब विखे होगा, नहीं तरावड़ी सॉरी। फिर 18 तारीख तो आरंभ होगा शीशगंज साहिब तो तरावड़ी तो आरंभ होगा वाया कुरक्षेत्र विखे गुरद्वारा मंजी साहिब पातशाही छेवीं तो पिपली संपर्दा नील धारी तो साहबा दे रस्ते गुरुद्वारा मंजी साहिब पातशाही छेवीं अंबाला तो होंदा होया रात का जड़ा विश्राम होगा वह नाभा साहिब जीरकपुर विखे होगा। 19/12/2023 दिन मंगलवार नूं जड़ा आरंभ होगा और नाभा साहिब जीरकपुर तो आरंभ होण के एयरपोर्ट रोड आइसर जड़ी कंपनी हैगा चंडीगढ़ उस दे रस्ते होंदा होया 11 फेज ते गुरद्वारा सिंह सभा तो गुरद्वारा बाबा नामदेव जी, फेज 10 तो 9 तो गुरद्वारा अंब साहिब, फेज 8 तो गुरद्वारा सिंह सभा तो 1 तो हुंदा होया गुरद्वारा बाबा जीवन सिंह, फेज 3 गुरद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह सुलखिया, गुरद्वारा
ਭੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਅ ਹੋਗਾ ਉਹ ਰੋਪੜ ਹੋਣਗਾ। 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੰਬਾਟਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮੁਖੀ 5ਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ 1300 ਘੋੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਦੱਸ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।